Hello and welcome to this video series. This is a video series of 4 videos where we are talking about setbacks in career and how to handle them. तो पहले वीडियो में हमने डिस्कस करा कि सेटबैक्स क्या होते हैं, करियर सेटबैक्स क्या होते हैं, इनकी नेचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं एंड कैन देयर बी अ सिल्वर लाइनिंग इन करियर सेटबैक्स। दूसरे वीडियो में वी पिक्ड अप अ वेरी स्पेसिफिक सेटबैक व्हिच इज जॉब लॉस। बहुत ही डिटेल में हमने उसको डिस्कस किया। यू वांट टू वॉच द वीडियो, यू कैन लुक एट माय चैनल। आज के वीडियो में जो पार्ट 3 है इस वीडियो की सीरीज में, हम एक स्पेसिफिक केस डिस्कस करेंगे एंड दिस स्पेसिफिक केस इज व्हेन यू आर अप फॉर प्रमोशन और आपकी प्रमोशन नहीं होती है, जो डिसअपॉइंटमेंट होती है, जो करियर में एक स्टेप आप पीछे चले जाते हो, हाउ शुड यू गो अबाउट हैंडलिंग दिस इन योर करियर। दिस इज द सेंटर ऑफ टुडेज डिस्कशन। बने रहिए इस वीडियो में इस इंट्रो के बाद। दोस्तों, जब आप बहुत मेहनत करते हैं एंड यू रियली पुट इन दैट एफर्ट एंड यू आर लुकिंग फॉर दैट प्रमोशन और आपका नंबर आते आते प्रमोशन विंडो बंद हो जाता है और आपको प्रमोशन नहीं मिलता, ये एक सेटबैक है आपके करियर में फॉर श्योर। और इससे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट भी होती है क्योंकि जनरली कंपनीज फॉलो करती हैं एक प्रमोशन साइकिल। सो आपने अगर इस साइकिल में प्रमोशन मिस किया, द चांसेस ऑफ यू गेटिंग प्रमोटेड गेट्स शिफ्टेड बाय दैट विंडो। शायद वो 6 महीने बाद हो, 1 साल बाद हो, डिपेंडिंग ऑन द कंपनीज प्रमोशन साइकिल। जब आपकी प्रमोशन नहीं होती है तो एक डिसअपॉइंटमेंट तो होती ही होती है, एक टेम्पररी सेटबैक भी आपको फेस करना पड़ता है करियर में। तो इस चीज़ को कैसे हैंडल किया जाए, क्योंकि ये सेंसिटिव है, ये आपको दिल पे लगती है, देयर आर चांसेस दैट यू मे नॉट बी एबल टू हैंडल इट प्रॉपरली। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे स्टेप्स शेयर करूंगा जो आप यूज कर सकते हो टू हैंडल दी सेटबैक दैट अ प्रमोशन दैट नॉट हैविंग अ प्रमोशन हैज गिवन यू इन ए मोर मैच्योर्ड एंड प्रोफेशनल वे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट स्टेप दैट यू शुड डू is you should understand what emotions you are going through. बहुत important है। एक तो आपकी promotion नहीं हुई है तो anyways you are very disappointed, और दूसरा है कि इससे क्या होता है, कभी कभी anger, frustration बहुत बढ़ जाता है। So it is very important for you to understand these emotions, क्या है, anger है, frustration है, क्या है, क्योंकि जब आप आपके emotions को समझोगे, that's when at work you will start responding rather than reacting. अगर आप अपने emotions को नहीं समझोगे तो क्या होगा कि कोई आके आपको कुछ बोलेगा एंड यू माइट जस्ट यू नो इरप्ट, आप शायद थोड़े मतलब आप उसे ब्लास्ट हो जाओ जो एंड यू विल से थिंग्स दैट यू मे रिपेंट लेटर। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट टू गेट होल्ड ऑफ योर इमोशन टू अंडरस्टैंड यू नो व्हाट इज इट दैट यू आर गोइंग थ्रू। स्टेप नंबर 2, नाउ वंस यू गेट होल्ड ऑफ द इमोशन, जब आप थोड़े से कूल डाउन कर चुके हो, जब आप थोड़े से एक्सेप्ट कर चुके हो कि हाँ मेरा प्रमोशन इस साइकिल में हुआ नहीं है, दिस इज द स्टेप व्हेन यू एनालाइज व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या गैप हो सकता है। सो हाउ डू यू डू दैट? द बेस्ट वे टू डू दैट इज सेट अप सम टाइम विथ योर मैनेजर, और मैनेजर के साथ टाइम सेटअप करके आप उनसे बात करो, आप उनसे एक फीडबैक लो। हो सकता है जो वो आपको बोले शायद आपको पसंद ना आए, बट डोंट डिस्कार्ड ए फीडबैक जस्ट बिकॉज यू डोंट लाइक द सोर्स। सो टेक फीडबैक, अंडरस्टैंड व्हाट कुड बी द गैप, इज देयर ए इशू दैट यू हैड टू ब्रिज द गैप विथ सम स्किल्स और सम एटीट्यूड और यू नीड टू बी मोर प्रोएक्टिव। जो भी फीडबैक है उसको कंस्ट्रक्टिवली लीजिए और उसको देखिए कि क्या सच में ये फीडबैक आपके लिए एप्लीकेबल है। तीसरा स्टेप, सो वंस यू आर थ्रू विथ योर गैप आइडेंटिफिकेशन, द थर्ड स्टेप इज टू क्रिएट अ डेवलपमेंट प्लान। बिना प्लान किए आप कुछ कर नहीं सकते। हाँ, इट्स वन थिंग टू अंडरस्टैंड कि स्किल गैप है मेरा, लेकिन अगर मैं इस गैप को कैसे फिल करूँ, उसके लिए मैंने कोई प्लान नहीं बनाया है, कोई इसके लिए मैंने अपनी प्रायोरिटीज़ नहीं बनाई हैं, तो ये एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपको। और फिर नेक्स्ट साइकिल में भी यू विल ऑल्सो फाउंड वांटिंग इन दीज एरियाज एंड फिर आपकी प्रमोशन नहीं होगी एंड फिर आप डिसअपॉइंटेड होगे ये सोच के कि चलो मैं विक्टिम हो गया हूँ, जबकि रियलिटी कुछ और हो सकती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट अ डेवलपमेंट प्लान। स्टेप नंबर 4, बहुत सारे लोग जब प्रमोशंस मिस करते हैं तो वो एक तरह से डिसिल्यूजन हो जाते हैं और वो अपने करंट रोल में इंटरेस्ट नहीं दिखाते। दे स्टार्ट विदड्रॉइंग, दे डोंट पुट अप द सेम काइंड ऑफ एफर्ट दैट दे यूज्ड टू डू, तो एक तरह से वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं प्रोफेशनली। ये होता है, यू माइट सीन दैट प्रमोशन इज जस्ट अ स्मॉल सेटबैक
बट मेनी पीपल आर नॉट एबल टू प्रोसेस इट इन अ राइट वे. तो जब ये आपके साथ हो रहा है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कम बैक स्ट्रांगली एंड बी द सेम कंसिस्टेंट प्रोफेशनल दैट यू वेयर इन योर करंट रोल. तो आपकी करंट रोल पे जो आपकी प्रोफेशनलिज्म है वो आप डेमोन्स्ट्रेट कीजिए. वर्क हार्ड, आई वुड से वर्क एक्स्ट्रा हार्ड, बिकॉज इस केस में क्या मोटिवेशन भी नहीं होगी. सो आपको मोटिवेशन लाना है और उस रोल में आप कैसे और ग्रो करो उसके बारे में आपको सोचना है. पॉइंट नंबर 5, नेटवर्किंग विद इन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, स्पेशली आज यू क्लाइंब अप द लैडर. जितने आप सीनियर होते जाते हो, योर प्रमोशंस आर गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन हाउ मेनी पीपल आर गोइंग टू वाउच फॉर यू, एंड विच मीन्स यू हैव टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरनल नेटवर्क. तो नेटवर्किंग आपको करनी पड़ेगी, इंटरनल नेटवर्किंग आपको करनी है. बट येस, यू हैव टू फिगर आउट अ वे ऑफ नेटवर्किंग दैट वर्क्स फॉर यू. ऐसा नहीं कि जो सबके लिए काम कर रहा है. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ पीपल आर एबल टू टॉक टू अदर्स, इट मे नॉट वर्क फॉर यू. सो फॉर यू, यू मे हैव टू स्टार्ट स्मॉल, बट छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए. ईमेल पे कनेक्ट कीजिए, टीम्स पे कनेक्ट कीजिए, देन यू गो फॉर लॉन्गर मीटिंग्स. बट मेक दैट एफर्ट, मेक दैट इनिशिएशन, ये आपको बहुत काम आएगी बाद में. स्टेप नंबर 6, स्टे प्रोफेशनल एंड पॉजिटिव. इट इज़ ए कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस पॉइंट जो आपकी करंट रोल की मैं बात कर रहा था. तो प्रोफेशनल रहना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, आपके अंदर डिसअपॉइंटमेंट है, एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेन प्रोफेशनल एंड नॉट ओवरटली डेमोन्स्ट्रेट वॉट यू आर गोइंग थ्रू. एंड एट द सेम टाइम स्टे पॉजिटिव एंड यू हैव टू कन्विंस योर सेल्फ दैट अ प्रमोशन इज वन स्मॉल इवेंट इन ए लॉन्गेस्ट करियर. तो बड़े लॉन्गेस्ट करियर में ये एक छोटा सा इवेंट है. सो इफ यू आर लेट टू a certain promotion, it doesn't mean that you will be late to the next promotion. So to keep motivating yourself, talk positive things about you, focus on your learning, focus on your certifications, focus on what is going to take you to the next level. So kaam karte rahiye positive mindset ke sath and be very professional. Last but not the least, step number 7, evaluate your options. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है. सो इफ़ यू फिगर आउट दैट यू आर बीइंग सिस्टमेटिकली इग्नोर्ड फॉर ए प्रमोशन, आपकी टैलेंट होते हुए भी, सारे क्राइटेरिया फिल आउट करते हुए भी, तब भी आपकी प्रमोशन नहीं हो रही है, एंड देर इज सम अदर फैक्टर्स विच इज़ वर्किंग फॉर यू, इट इज़ द टाइम टू कंसिडर मूविंग आउट. एंड मूविंग आउट डजंट मीन ओनली मूविंग आउट ऑफ द कंपनी. You can look at moving out of the current group or current project team that you're working, and you can look for other projects within the same company. And if that's not a case or that's not a possibility, you can always look at, you know, something outside that fits your career goals and your long-term objectives. चाहे बात कोई भी हो, चाहे कंपनी में रहने की हो, चाहे कंपनी से बाहर जाने की हो, आई थिंक दिस सेटबैक अगेन प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू स्टॉप, पॉज एंड लुक at your overall long-term career goal. So, इस setback को positively लीजिए and then you will see how you come back much stronger. So, दोस्तों, in the end, I would like to say that missing out on a promotion is an extremely difficult setback to handle. Yes, it hurts you, it gives you a lot of pain, but at the same time, you know, it takes a lot of maturity, professionalism to handle these kinds of setback and come back or bounce back with stronger credentials. So, if you follow these steps which I just mentioned, if you become more aware of it, I'm sure you will be able to bounce back and certainly make an impact in your career. Thank you so much for watching. If you like the content today, like, share and subscribe the channel for more content. Thank you so much.